आजकल प्रोटीन के नाम पे जो सोया चाप आपको स्ट्रीट फूड में खिलाई जाती है वो 90% मैदा की बनी होती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और कुछ लोगों का मानना है कि इसका आटा पैरों से गूंद के लगाया जाता है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरे इंडिया की सबसे हाइजीनिक चाप की मेकिंग, तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इस एंड तक देखना। एक फैक्ट्री के अंदर सोया चाप को बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के कट्टे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूरा कट्टा उठा के ये फिल्टर मशीन के अंदर डाला जा रहा है। ये मशीन ना तो बिजली से चलती है, ना तो इसके अंदर कोई मोटर होता है। पूरा कट्टा उलटने के बाद मशीन को खोल दिया जाता है, जिसके बाद दाने घूम घूम के फिल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सही दाने होते हैं वो इस ड्रम के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली ऐसे ही चलता रहता है, और जो बेकार दाने होते हैं वो दूसरी तरफ ड्रम में निकल जाते हैं। फिल्टर होने के बाद सोयाबीन को इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है, जिनको यहाँ पे पीसा जाएगा। लगभग 10 मिनट के अंदर ये आटा पिस के तैयार हो जाता है, और आप देख सकते हो ये कितना बारीक पिसा हुआ है। अब बारी आती है इसको मिक्सर में लेकर जाने की, तो ये पूरा पिसा हुआ आटा मिक्सर के अंदर डाला जाएगा। यहाँ पे देखिए, पूरा ड्रम एक बार में डाला जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 4 ड्रम आटा डाला जाएगा। यहाँ पे सोया चाप बनाने के लिए 65% सोया फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम जगह पे जो आपको सोया चाप मिलेगी, या तो वो पूरी मैदा से बनी होती है, या फिर उसमें सिर्फ 35% सोया फ्लोर होता है। आटा डालने के बाद इसमें डाला जा रहा है नमक। बिना मैदा के सोया चाप नहीं बनाई जा सकती, तो यहाँ पे 5% मैदा का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ बाइंडिंग के लिए। इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आटा ड्रम के अंदर निकाल लिया जाता है। अब इसको लेकर जा रहे हैं बड़ी सी छन्नी जैसी मशीन के अंदर, जहाँ पे आटे को छाना जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा ड्रम उलट दिया जा रहा है, ऊपर से आटा इस तरह से हिलाया जाता रहेगा और साफ आटा नीचे इस ड्रम में जमा होता रहेगा। लगभग 10 मिनट के अंदर 40 किलो आटा यहाँ पे छान लिया जाता है, और जितना भी वेस्टेज होता है वो इस दूसरे ड्रम में कलेक्ट होता रहता है। यहाँ पे सोया चाप बनाने के लिए आरओ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आटा हमने छान के रखा था, उसको आटा मेकर के अंदर डाला जा रहा है गूंदने के लिए। लगभग 15 मिनट में जाके ये आटा तैयार होता है, फिर 20 मिनट के लिए इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा सेट होने के लिए। जब तक यहाँ पर आटा लगाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जो स्टिक होती है जिसके ऊपर सोया चाप को लगाया जाता है वो कैसे तैयार की जाती है। अगर आपको लग रहा है स्टिक को लेते हैं और ऊपर से चाप को लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, स्टिक को लिया जा रहा है और पानी में डुबा के रखा जाता है 10 मिनट के लिए। हमारी स्टिक हो चुकी है तैयार, यहाँ पे ये आटा भी तैयार हो चुका है, जिसको लेकर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है। ये सारी औरतें मिलकर यहाँ पर रोजाना 3 से 4 टन सोया चाप बनाती है। लगातार यहाँ पर आटा आता रहता है और सोया चाप यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे देखो आटे को किस तरह से स्टिक के ऊपर रोल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया जाता है, जिसको पानी में भीगी हुई स्टिक के ऊपर रोल करके साइड में रख दिया जाता है। ये काम लगातार यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपने इससे ज्यादा हाइजीनिक तरीके से कहीं भी चाप बनते हुए देखी है, क्योंकि मैंने तो कहीं भी नहीं देखी है। पूरा लॉट तैयार करने के बाद लेकर जा रहे हैं बॉयलर के अंदर, जहाँ पे ये लगभग 100 किलो चाप एक बार में उबाली जाती है। तो यहाँ पे लगातार ऐसे ही एक एक करके ट्रे डाली जाएगी बॉयलर के अंदर, जहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए उबाला जाएगा। बॉयलर के अंदर चाप डालने के बाद इसको थोड़ा सा घुमाया जाता है, जिसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है 10 मिनट के लिए। और अब देखिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये चाप उबल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जिसको ये छन्नी जैसी चीज से निकाला जाएगा। जितनी भी चाप यहाँ पे उबाली गई है, अब ये सारी की सारी छन्नी के इस्तेमाल से ठंडे पानी के अंदर डाली जाएगी। ठंडे पानी में डालने का एक ही फायदा होता है कि जो गरम गरम चाप होती है वो शायद खुल सकती है या फिर कट फट जाएगी, लेकिन ठंडे पानी में डालने के बाद वो थोड़ी सॉलिड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सारी की सारी चाप ये निकाली जा चुकी है, और आप देख सकते हो किस लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। ऊपर से थोड़ा और यहाँ पे ठंडा पानी डाला जा रहा है। ठंडी होने के बाद ये छन्नी की मदद से सारी चाप ये दूसरे वाले टेबल पर निकाली जाती है, जहाँ से इनका पैकेजिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। सोया चाप हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पैकेजिंग किस रफ्तार से करी जाती है। लगातार यहाँ पे पैकेट के अंदर सोया चाप को डाला जा रहा है और आगे पास ऑन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाप को तोला जा रहा है। अगर चाप एक्स्ट्रा होती है तो निकाल लिया जाता है, अगर थोड़ी बहुत कम होती है तो यहाँ पे और चाप डाली जाती है और आगे सील करने के लिए भेज दिया जाता है। और ये इनकी सील करने की मशीन होती है, जहाँ पे पैकेट का खुला हुआ हिस्सा डाला जाता है और ये ऑटोमेटिकली सील होकर आगे चला जाता है। उसके बाद दो वर्कर मिलके यहाँ पे सेट बनाने का काम करते हैं। तो सोया चाप के पैकेट्स को क्रेट के अंदर डाला जाता है, और सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी इनका कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से काम होता है। अगर आपको लगता है कि ये सोया चाप खाने के लिए तैयार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर -40 डिग्री पे रखा जाएगा 12 घंटे के लिए। ये देखिए, एक एक करके सारी क्रेट ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर रखी जा रही है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता है। 12 घंटे के बाद इन चाप को कट्टों में भर के कोल्ड स्टोरेज के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री होता है, और यहाँ से ये सप्लाई करी जाती है पूरे इंडिया के अंदर। मसाला चाप के साथ रुमाली रोटी मिल जाए तो मजे आ जाते हैं। और आज मैंने आपको दिखाया सोया चाप बनाई कैसे जाती है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी है हाइजीन। भाई बहुत ही बढ़िया तरह बनाते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक है। आपको अगर यहाँ से ऑर्डर करना है तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।